ना कोई ताकत, ना कोई अदावत, और चाहे पूरा सिस्टम ही क्यों ना चाहे, तेरे बोल पर अंकुश नहीं डाल सकते। बोल इलाहाबाद में तेरे। नमस्कार, बोल क्लब आजाद है तेरे। मैं अभिसार शर्मा। दोस्तों, मैं इस कार्यक्रम में आपको एक वीडियो दिखाने वाला हूं। जैसे कि आप जानते हैं, कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी और चीज को बेशक गंभीरता से ना लें, मगर चुनावों को बेहद गंभीरता से लेते हैं। उन्होंने एक रोड शो किया और जब वो ये रोड शो कर रहे थे तो एक व्यक्ति उनके सुरक्षा घेरे को तोड़ते हुए हाथ में माला लिए उनके कार में उनकी गाड़ी के पास पहुंचता है, उनको माला देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस माला को पकड़ते हैं और फिर किसी और को पकड़ा देते हैं। मैं चाहूंगा आप वो वीडियो देखिए। ये वीडियो इस बात का प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रधानमंत्री की सुरक्षा एक मजाक है, हलवा मान लिया है इन्होंने और इसका भी मखौल बना दिया है। ये वीडियो देखिए पहले। स्वीकार करते हुए नजर आते हैं तो निश्चित तौर पर इससे पता चलता है कि कितने लोकप्रिय हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये लोकप्रियता उनकी वर्षों की कठिन तपस्या मेहनत का नतीजा है जो उन्होंने देश की जनता के हितों की चिंता करते हुए की है। मैं समझ सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के काल में संस्थाएं जो है वो अपनी गरिमा खो चुके हैं। चुनाव आयोग ना रहा, मीडिया बद से बदतर होता गया, तमाम जो एजेंसीज जिनका काम है जनता की सेवा करना, चाहे वो राष्ट्रीय महिला आयोग हो, चाहे वो नेशनल प्रोटेक्शन फॉर चाइल्ड राइट्स हो, ये तमाम संस्थाएं आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी की मजाक का जरिया बन गए। मगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। एक व्यक्ति प्रधानमंत्री के अभेद सुरक्षा घेरे को तोड़ के प्रधानमंत्री के पास पहुंच जाता है और इसके कोई परिणाम नहीं होते हैं। वो आदमी हार लेकर पहुंचे था, याद कीजिए, आपके स्क्रीन्स पर, तमिलनाडु में एक रैली कर रहे थे, तब एक आतंकवादी उन्हें माला पहनाती है और उसके बाद क्या हुआ हम सब जानते हैं। दोस्तों, देश के सामने ये इतिहास है। इंदिरा गांधी को उनके अपने सुरक्षा गार्ड्स ने मौत के घाट उतार दिया था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में, ये वीडियो जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये मजाक नहीं है तो क्या है सुरक्षा के साथ, बताइए। इसके सिर्फ दो ही कारण हो सकते हैं। नंबर एक, या तो ये पूरा नाटक रचा गया था, यानी कि देश की जनता को दिखाना कि देखिए जनता कितना प्यार करती है और एक व्यक्ति जो है वो प्रधानमंत्री के पास आया बगैर अपनी जान की परवाह किए, यानी कि ये तस्वीर देश की जनता के सामने पेश करना, और उसके पीछे बीजेपी की सोच रही होगी। मगर दूसरी जो वजह है वो बहुत खतरनाक है, यानी कि जनता के वोट्स हासिल करने के लिए, जनता में लोकप्रियता अर्जित करने के लिए अब प्रधानमंत्री की सुरक्षा के कोई मायने नहीं रहे। मैं समझ सकता हूं कि आज की तारीख में आपने हर चीज का मजाक बना दिया है, तमाम संस्थाएं जो हैं वो बौनी बन गई हैं, उनकी कोई गरिमा नहीं रही, मगर अब एसपी जीप के भी कोई मायने नहीं है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के साथ जिस तरह की राजनीति करती है वो शर्मनाक है। याद कीजिए, जब वो पंजाब गए थे, 2 किलोमीटर दूर पंजाब के किसान प्रधानमंत्री के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, वो किसान उनसे कोसों दूर थे, प्रधानमंत्री इस फ्लाईओवर पर रुक जाते हैं, किसानों के प्रदर्शन के चलते उन्हें वापस मुड़ना पड़ता है। मगर जब वो एयरपोर्ट पहुंचते हैं तो वो ये कहते हैं कि मैं किसी तरह से अपनी जान बचाकर आया था। क्यों? क्योंकि जिस फ्लाईओवर पर वो फंसे होते हैं कुछ लोग वहां प्रदर्शन करने आ जाते हैं, मगर प्रधानमंत्री या बीजेपी ने किसी को नहीं बताया कि जो लोग प्रदर्शन करने आए थे दरअसल वो भाजपा के ही कार्यकर्ता थे। तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ANI के मुताबिक, समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक, जब ये कहा था कि मैं किसी तरह से अपनी जान बचाकर आया हूं और ये बात पंजाब के चीफ मिनिस्टर को बता देना, तो क्या वो भाजपा के कार्यकर्ताओं से जान बचाकर आए थे? यानी कि उस वक्त प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर राजनीति की गई, क्योंकि उस वक्त पंजाब के चुनाव भी चल रहे थे, उत्तराखंड के चुनाव चल रहे थे और उत्तर प्रदेश के चुनाव भी चल रहे थे। और फिर आपको याद होगा उसके बाद इस पूरी घटना को लेकर इनके पूरे मीडिया ने जो प्रचार चलाया दोस्तों,
प्रचार चलाया तो चलाया, उस वक्त इन्होंने खालिस्तान का राग तक अलापना शुरू किया। हमारे जो किसान हैं उन्हें खालिस्तानी बता दिया, वो किसान जो 2 किलोमीटर दूर हैं प्रदर्शन कर रहे थे। ये तमाम मुद्दे हैं जिसे आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को लेकर राजनीति किसी और ने नहीं की थी, खुद बीजेपी ने की थी। बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के नाम पर इसी तरह की राजनीति की जाती है, क्यों? फिर देखिए इस तस्वीर को, कर्नाटक की। इस व्यक्ति का इस तरह से पहुंचना बहुत खतरनाक है। और जैसे मैंने बताया, सिर्फ 2 थ्योरीज हो सकती हैं, या तो भाजपा ने इस पूरे स्वांग को रचा, इस पूरे नाटक को रचा, या फिर वाकई सुरक्षा का घेरा तोड़ के यह व्यक्ति यहां पर पहुंच गया, जो कितना खतरनाक है। और ये पहली बार नहीं है जब राजनीति के लिए प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ मजाक किया गया। याद कीजिए, जब हिमाचल और गुजरात में चुनाव थे, एक नहीं, दो नहीं, 3-3 बार हुआ जब देश की जनता और मीडिया को यह बतलाया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जा रहा था, तभी एक एम्बुलेंस आई और प्रधानमंत्री के सुरक्षा घेरे ने उस एम्बुलेंस को जाने दिया। सबसे पहला वीडियो यह सामने आया था। दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री की सुरक्षा जा रही है, कोई भी गाड़ी क्या वहां से गुजर सकती है? उस एम्बुलेंस में कोई भी हो सकता था, क्योंकि अगर उस एम्बुलेंस के अंदर कोई मरीज होता और किसी मरीज की जान बच जाती तो मीडिया उस मरीज के परिवार से इंटरव्यू करता ना। कोई इंटरव्यू सामने नहीं आया, यानी कि उस एम्बुलेंस में वाकई कोई था, उस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और ये एक नहीं, दो नहीं, 3-3 बार हुआ। 3-3 बार चुनावों के मौसम में यह बतलाया गया कि देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो कितने महान हैं, उन्होंने एक एम्बुलेंस को जाने दिया। और सबसे अजीबोगरीब बात दोस्तों, चुनावों के दौरान एक ऐसा वीडियो आया जिसमें पूरा कैमरा वर्क दिखाई दिया। उसमें दिखाया गया कि एक ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा हुआ था, वो ट्रैफिक पुलिस वाला पहले प्रधानमंत्री के काफिले को रोकता है, फिर वो हाथ दिखाता है, एम्बुलेंस निकलती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी गाड़ी के अंदर बैठे होते हैं, कैमरा इसे पूरा कैप्चर कर रहा होता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाव, उस पूरे नज़ारे को। और फिर जब वो एम्बुलेंस निकल जाती है, तब प्रधानमंत्री का सुरक्षा निकलता है, उनका जो गाड़ी है वो निकलती है। देश की जनता को आप लोग क्या समझते हैं, बताइए बताइए बताइए। मैं जानता हूं कि धर्म के जरिए जो धतूरा आपने चटाया है, जाहिर सी बात है उस धतूरे के जरिए सब मदमस्त हैं, मगर बार बार अहम सुरक्षा एजेंसीज का मजाक बनाना, और सबसे बड़ी बात राष्ट्रीय सुरक्षा को मजाक बनाना, जो देश के बड़े बड़े लोग हैं उनकी सुरक्षा को लेकर मजाक बनाना। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी दिल्ली पहुंचते हैं, जब उनकी भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली पहुंचती है तो जब वो लाल किले पहुंचने वाले होते हैं तब भीड़ इतनी बेकाबू हो जाती है कि दोनों तरफ से वो लोग राहुल गांधी को दबाने लगते हैं। कांग्रेस ये आरोप लगाती है कि उस वक्त वहाँ कोई मौजूद नहीं था, दिल्ली पुलिस के बहुत कम लोग मौजूद थे, किसी तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी की सुरक्षा को तय किया। क्या राहुल गांधी की सुरक्षा के कोई मायने नहीं है? उल्टा राहुल गांधी पर यह आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी ने कई बार सुरक्षा के नियमों की अनदेखी की। चलिए मान लिया राहुल गांधी ने सुरक्षा के नियमों की अनदेखी की, मगर जो अभी अभी मैंने आपको मिसाल बताई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उसमें सुरक्षा की कौन अनदेखी कर रहा है? चाहे कोई एम्बुलेंस का प्रधानमंत्री के सुरक्षा घेरे में घुस जाना, चाहे एक व्यक्ति का एक माला लेकर प्रधानमंत्री के पास पहुंच जाना, जबकि इस देश ने राजीव गांधी का इतिहास देखा है कि किस तरह से LTTE के आतंकवादियों के हाथों इसी तरह से एक आतंकवादी उन्हें माला पहना रही थी, और फिर देश ने देखा था क्या हुआ था। तो मुझे लगता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर और इस तरह से जो जाने माने लोग हैं उनकी सुरक्षा को लेकर भारतीय जनता पार्टी सियासत करती है, जो अपने आप में बहुत शर्मनाक बात है दोस्तों। और अजीबोगरीब बात यह है दोस्तों कि मीडिया भी इस पर गंभीरता से चर्चा नहीं करता, मीडिया कभी भी सवाल नहीं करता है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आपके सामने देखिए जो कवरेज कल किया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में सेंध, एक व्यक्ति घुस आया, तमाम चीजें बात यहां की जा रही हैं, मगर जो सवाल आज मैंने आपके सामने रखे
कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को भारतीय जनता पार्टी हलवा मानती है, क्या उसके लिए वो मजाक बन गया है। ये सवाल जो आज मैंने आपके सामने उठाए बाकायदा तथ्यों के साथ, क्या ये सवाल गोदी मीडिया उठाता है, इस देश का मीडिया उठाता है? क्योंकि देखिए, इस देश का जो पत्रकार है, खासकर मुख्यधारा की मीडिया का पत्रकार, या तो गुल्लू और कालू बने हुए हैं या फिर सभी पापा की परियां बनी हुई हैं। तो क्या इन पापा की परियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के कोई मायने नहीं है? बताइए। ये सिर्फ यही बतलाता है दोस्तों कि इस देश के अंदर अहम मुद्दों को लेकर किस तरह की राजनीति होती है। हर चीज पर राजनीति है। जहां भारतीय जनता पार्टी को वोटों का फायदा दिखाई देता है, वहां पर ये लोग इस तरह की राजनीति करना शुरू कर देते हैं। राहुल गांधी पर निशाना साधना है तो उनकी सुरक्षा को लेकर मजाक बनाया जाए। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, जिस तरह से राहुल गांधी की रैली जो है, उनकी जो भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली आते आते बेकाबू हो गई थी, बार बार कांग्रेस सवाल पूछ रही थी, उस पर कोई जवाब क्यों नहीं दिया? नंबर एक। नंबर दो, कांग्रेस ने यह भी सवाल उठाया था कि उनके कंटेनर में दो अज्ञात लोग घुसने की कोशिश कर रहे थे। आज तक उस सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रही है बीजेपी सरकार, न हरियाणा की सरकार, न केंद्र सरकार? कौन थे वो लोग जो घुसने का प्रयास कर रहे थे? उस पर हकीकत की तह तक पहुंचने में, मुद्दे की तह तक पहुंचने में बीजेपी क्यों कतरा रही, क्यों डर रही है? और फिर प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ जो ये मजाक हुआ, आखिर उसको लेकर कोई व्हाइट पेपर जारी क्यों नहीं होता? क्योंकि ये बार बार हो रहा है, चाहे एम्बुलेंस की शक्ल में हो, चाहे किसी व्यक्ति का वहां पहुंचकर उन्हें माला पहनाना हो। इन तमाम चीजों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि हर चीज का मजाक बनाया जा सकता है, तो यह मजाक हमारे चेहरे पर किसी ना किसी दिन एक करारा तमाचा मारेगा, और वो तमाचा इस पूरे देश के लिए बहुत दुखदाई, बहुत दर्दनाक होगा। इसलिए हर चीज का मजाक मत बनाइए, हर चीज का मखौल मत बनाइए, गंभीरता से लीजिए, खासकर जब देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा हो तो। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।